दोस्तों आपको पता है भाई कि अमेजोन का पे बैलेंस को हम डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो पैसे को। लेकिन दोस्तों मैं आपको ना एक ऐसा ऑफिशियल ट्रिक देने वाला हूँ, इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कीजिए, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आएगा और मैं अभी काम करके दिखाऊंगा, लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपने पे बैलेंस को सीधा बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो डायरेक्ट, वो भी सिंपल एक ट्रिक से। दुकान कर दे वीडियो को स्टार्ट, उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करवा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, मतलब उस वीडियो में थोड़ा इश्यू हो चुका था दोस्तों, फिर भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। दोस्तों चलते हैं यार अमेज़न पे बैलेंस में कैसे आपको ट्रांसफर करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करना। तो दोस्त सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अमेज़न एप्लीकेशन में आना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको पे बैलेंस को कैसे आपको बैंक तक कैसे लेके जाना है, कौन सी प्रोसेस को कंप्लीट करना है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल जाता है अमेज़न पे का, तो आपको इसमें क्लिक करना ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो आज यहाँ पर मेरे अभी देख रहा हूँ पे बैलेंस में 20 रुपये पड़े हुए हैं, तो आज कैसे इसको 20 रुपये को आप कैसे आपको बैंक में ट्रांसफर करना है। और दोस्तों आप डायरेक्ट तो कर नहीं पाओगे, तो आज मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, बस इस ट्रिक को स्टेप बाई स्टेप पूरा देखिए ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा नीचे आओगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यार गोल्ड का। अब दोस्तों गोल्ड की मदद से कैसे आपको बैंक तक पैसे को लेकर जाना है पूरी चीज़ लाइव दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप भी नहीं करना आपको। दोस्तों यहाँ से आप ट्रैक होती है शुरुआत। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अमाउंट डालने का। दोस्तों आपको सिंपल दोस्तों मेरे अमेज़न पे अकाउंट में 20 रुपये पड़े हुए हैं, तो आज यहाँ पर मैं 20 रुपये पूरा डालता हूँ और इसको यहाँ पर प्रोसेस टू बाय में क्लिक करता हूँ ठीक है। तो गाइस आपके में दोस्तों जितने भी पड़े हो तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों मैं 20 रुपये लिखूंगा, दोस्तों यहाँ पर लिखना है प्रोसेस टू बाय, तो गाइस इस पर आपको करना है सिंपल क्लिक। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद होता क्या, दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ ठीक है, तो वीडियो को स्किप करना और बहुत अच्छे से आपको देखना ठीक है। तो गाइस दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपका सबसे ऊपर जो होता है दोस्तों अमेज़न पे, तो दोस्तों आपको इसमें क्लिक करके आपको प्लेस ऑर्डर नाउ में क्लिक कर देना, पे कर देना ठीक है पैसे को। तो गाइस हम इसमें हम करते हैं क्लिक ठीक है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना कि गाइस आपको जो प्लेस का जो बैलेंस होता है अमेज़न पे का उसी में क्लिक करके करना ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मेरा जो दोस्तों जो अमाउंट है दोस्तों ये अभी हो चुका है एकदम से कंप्लीट। दो गाइस यहाँ से होता क्या दोस्तों कि आप अपने गोल्ड को खरीद लेते हो, तो गाइस आप इसको गोल्ड को खरीदने के बाद आपको पैसे को कैसे बैंक में लगे जाना है ये बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने गोल्ड ने 20 रुपये का परचेस कर लिया है, तो गाइस आप करना क्या है, अब ये पूरी ट्रिक यहाँ से शुरू करता हूँ एग्जैक्ट 100% वर्किंग ट्रिक ठीक है। अब दोस्तों आपको फिर से दोस्तों अमेज़न पे में करना है क्लिक। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद होता क्या दोस्तों आपको आना है फिर से गोल्ड के ऑप्शन में ठीक है। तो गाइस गोल्ड के ऑप्शन में आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर बाजू में ऑप्शन होता है सेल्ड गोल्ड का, तो गाइस जैसे आप लोग सेल्ड गोल्ड में क्लिक करते हो सेल गोल्ड में, तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर जितना भी आपने खरीदा था 0.0 आपको जो भी किलोग्राम में लिखा मिला था, तो गाइस आपको सिंपल इसमें करना है यहाँ पर टैप ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन लिखा रहता है। अब दोस्तों होता क्या दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मांगते हैं UPI ID का। दोस्तों अगर आप लोग अपना पेटीएम का गूगल पे का फोन पे का अगर आप UPI ID डालते हो तो गाइस सीधा पैसा आपको डायरेक्ट उसी का पहुँच जाता है, तो गाइस वहाँ से आप आसानी से बैंक चले जा सकते हो, वो तो आपको पहले ही पता है। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों मैं अपना पेटीएम का डाल रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एड्रेस पेटीएम, तो गाइस जो ये पैसा दोस्तों मेरा पेटीएम में सीधा पहुँच जाएगा। दोस्तों मैं अभी दिखा भी दूंगा पेटीएम में जाके कि कैसे पैसे पहुँचे कि नहीं पहुँचा ठीक है। तो गाइस यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक करना, दोस्तों आपका नाम भी आ जाता है कि गाइस आप किसके नाम पे है अकाउंट है, तो गाइस आपका सिंपल इसमें कंटिन्यू में सर्वे करने के। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ID पासवर्ड OTP डाल दे रहा है, तो गाइस यहाँ पर करने के बाद आपको सिंपल दोस्तों कुछ नहीं करना, बस आपका पैसा आसानी से जो भी आपका गोल्ड था वो पैसे में पहुँच जाएगा आपके पास पेटीएम में चाहे गूगल पर जो भी आप ID डालोगे। तो गाइस ये हो चुका है मेरे जा। अब दोस्तों मैं आपको चलता हूँ और पेटीएम में दोस्तों चल के दिखाता हूँ कि मेरा पैसा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों प्रोसेस होता है, तो गाइस यहाँ पर लिखा है क्रेडिट यूवर बैंक अकाउंट ठीक है। दोस्तों मतलब जो भी आप UPI ID डालोगे ना उसी में सीधा पैसा जाता है। तो गाइस ये एक सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक से आप आसानी से अपने पैसे को बैंक तक लगा सकते हो UPI की तरफ से ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चलता हूँ अपने पेटीएम के अकाउंट दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ चेक करके यार मेरा पैसा। दोस्तों यहाँ पर तो वैसे मेरे पास मैसेज दोस्तों आ चुका सबसे ऊपर, दोस्तों अभी मैं दिखा रहा हूँ करके। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा चार्ज करना ठीक है, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको चार्ज करते हैं एक दो रुपये कट जाते हैं। तो गाइस ये भी एक ट्रिक होती है कभी सिंपल ट्रिक। तो गाइस प्लीज़ है भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ऐसी ट्रिक और भी देखने के लिए वीडियो में अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।